फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेल क्लिस। तो ये उसके लिए देखिए, मैंने नॉर्मल क्लिस की कटिंग कर ली है। और अब हम एक न्यूज़पेपर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से चकोर लेंगे हम। देखिए इसकी लेंथ नाप लेंगे हम, 16 इंच है। और इसकी जो विड्थ होगी हमारी वो भी 16 इंच की होगी, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको इस कोने से मिलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम अपनी आस्तीन लेंगे और जो आस्तीन की हमारी फिटिंग है उसको नाप लेंगे। देखिए 4.5 इंच हमारी इसकी फिटिंग है, तो हम 4.5 इंच का डबल कर लेंगे। तो हम 9 इंच लेंगे यहाँ से, देखिए इस तरीके से ऊपर से निशान लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम न्यूज़पेपर कटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारी कपड़े की ज़्यादा वेस्ट ना हो। देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम जितनी भी लेंथ लेनी है हमें इसकी वो नाप लेंगे। हम देखिए 8 इंच लेंगे यहाँ से, और 8 इंच का हाफ कर कर यानी कि 4 इंच पर फिर हम इधर निशान लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। और एक हल्की शेप देंगे, गोल शेप, ये देखिए इस तरीके से निशान में थोड़ा डार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको सही से दिखाई दे। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सही से समझा पाऊँ, ये देखिए। और अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। और अब हम इसको दूसरे कपड़े पर रखेंगे। देखिए कपड़ा लिया है हमने, इस पर रखकर डबल कर लिया हमने कपड़े को। और अब हम इस पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे, देखिए इस तरीके से रखने पर हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और अब हम इसकी ऊपर रखकर दोनों स्लीव्स की अपनी कटिंग कर लेंगे। जो नीचे की हमारा घेर होगा, इसका बेल स्लीव्स होगी जो हमारी, ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। और अब हम दूसरे कपड़े की कटिंग करेंगे। देखिए अब इसी तरीके से इसके ऊपर रखकर भी हम कटिंग कर लेंगे, देखिए। और अब हम एक पट्टी लेंगे ब्लैक कलर की, देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स, हम ऊपर से देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और देखिए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ये अलग अलग काटे थे अपने पैटर्न, इन पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से रखकर, देखिए पहले इधर से और फिर इधर से पूरी गोलाई में सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और इसके बाद हम अपने आस्तीन को इस तरीके से पलटेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पर, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी इसमें और ये एकदम दब भी जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सिलाई लगा ली है, ऊपर की तरफ भी हमने सिलाई लगा ली है। और अब इसके बाद हम जितनी हमारी फ्लीस थी की फिटिंग थी, 4 इंच थी, तो हम 4 4 इंच पर दोनों तरफ निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए दोनों तरफ से नाप ले अपनी निशान को। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 प्लेटें डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा नीचे का कपड़ा भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर पिन लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से करेंगे। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, पिन लगाने के बाद हम इसको अपनी आस्तीन पर सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने आस्तीन को अपनी सेट करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर एक पिन लगा दिया है। और देखिए हमारी आस्तीन का जो लुक है वो कितना ब्यूटीफुल आया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना।